अब कौन खेल होने वाला है? जो खेल होने वाला था हो गया। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार फिर बन गई। हमारा विधायक जनता दल यूनाइटेड के हम राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी चल रही है। नीतीश कुमार को छोड़ करके कोई जाने वाला इधर उधर नहीं है। अरे जब नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन से बाहर हो गए तब इंडिया गठबंधन के बावजूद कहाँ रहा? सीताराम मांझी तो एकदम एनडीए के साथ है, साथ हैं एकदम 100% गारंटी। 2005 के पहले वाली की बात कहीं नहीं बोलते। 15 साल उनके बाबूजी का माँ के शासन रहा है बिहार में। उस वक्त बिहार की क्या स्थिति थी? रोड चलने लायक नहीं था। महीना महीना दो दो महीना पर गांव में बिजली नहीं जाती थी। स्कूल में न भवन था न टीचर थे। उसका बात कहीं नहीं बोल रहे भाई। बिहार को कहाँ से खींच करके कहाँ लाए हैं? यही था बिहार जहाँ 6 बजे के बाद कोई लड़का लड़की रोड पर बाहर नहीं जाते थे। कब किसका अपहरण हो जाएगा कोई ठीक नहीं। जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का जो रिश्ता है, ये रिश्ता में कोई खटास नहीं है। इस 17-18 साल का रिश्ता है, ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूँ आपके साथ संजीव सिंह। देखिए 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है और इससे पहले बिहार में राजनीतिक भूचाल जारी है। तेजस्वी प्रसाद यादव कहते हैं कि खेल तो अभी बाकी है। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा हैं। किस प्रकार से देखते हैं? तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं खेल तो अभी शुरू हुआ है। कौन खेल? अब कौन खेल होने वाला है? जो खेल होने वाला था हो गया। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार फिर बन गई। अब कोई खेल होने वाला नहीं है। कांग्रेस के विधायक टूट रहा था, भाग रहा था। लोग बोल रहे हैं कि जेडीयू के भी कुछ विधायक जो है संपर्क। हमारा विधायक जनता दल यूनाइटेड के हम राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी चल रही है। नीतीश कुमार को छोड़ करके कोई जाने वाला इधर उधर नहीं है। तो बहुमत आप लोग साबित कर देंगे? एकदम पक्का, 128 से बढ़ जाएगा। अच्छा, इंडी अलायंस का जो नींव जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रखा था, लेकिन अब जो है खुद बाहर आ गए हैं। ममता बनर्जी कह रहे हैं कि 400 सीट तो क्या 40 सीट भी नहीं मिलेगा। अरे जब नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन से बाहर हो गए तब इंडिया गठबंधन के बावजूद कहाँ रहा? धीरे धीरे करके और जो दल निकल रहे हैं क्या लगता है? निकल जाएगा, और निकल जाएंगे। जो कांग्रेस का चरित्र है, चाल है, माननीय लालू प्रसाद जी का जो चाल चरित्र है, वहाँ कोई टुकने वाला है? सभी लोग अपने चाहिए। जीताराम मांझी जिस प्रकार से कह रहे हैं, मतलब ना जीताराम मांझी तो एकदम एनडीए के साथ है, साथ हैं एकदम 100% गारंटी। कहीं कुछ खेला उला नहीं ना वाला? कोई खेला नहीं। नीतीश कुमार के नेतृत्व को पूरे बिहार की जनता ने 17-18 साल से स्वीकार किया है। फिर एक बार किया। तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहते हैं 17 साल बनाम 17 महीने। उन्होंने बोला है कि 17 महीने हमने जितना रोजगार दिया है 17 वर्ष में एनडीए की सरकार, नीतीश सरकार ने तो नहीं। हम आपको बता दें कि 2005 के पहले वाली की बात कहीं नहीं बोलते। 15 साल उनके बाबूजी का माँ के शासन रहा है बिहार में। उस वक्त बिहार की क्या स्थिति थी? रोड चलने लायक नहीं था। महीना महीना दो दो महीना पर गांव में बिजली नहीं जाती थी। स्कूल में न भवन था न टीचर थे। उसका बात कहीं नहीं बोल रहे भाई। इस 17 महीना की उपलब्धि नहीं है नीतीश कुमार का। 18-17 साल का परिश्रम है। बिहार को कहाँ से खींच करके कहाँ लाए हैं? यही था बिहार जहाँ 6 बजे के बाद कोई लड़का लड़की रोड पर बाहर नहीं जाते थे। कब किसका अपहरण हो जाएगा कोई ठीक नहीं। यहाँ अपहरण उद्योग चलता था। और आज पूरे बिहार में 45,000 गांव हैं। सभी गांवों को सड़कों से जोड़ा गया, सभी परिवार के यहाँ बिजली पहुँचाई गई, सभी स्कूल को ठीक किया गया। और पूरे बिहार में 8,500 पंचायत है। सभी पंचायत में लड़कियों को पढ़ने के लिए 10+2 विद्यालय का विस्तार किया गया। उनका कौन काम है जी? अच्छा, लोकसभा चुनाव निकट है, एनडीए और इंडिया के जो घटक दल है वो साथ रहेंगे, क्योंकि चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के गलत नीति। अब उसके बारे में, चिराग पासवान के बारे में हम नहीं बोलेंगे, चूँकि जनता दल यूनाइटेड और सब लोग हैं इसमें। बीजेपी उनके बारे में बेहतर बताएगी, लेकिन हम आपको बताते हैं कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का जो रिश्ता है, ये रिश्ता में कोई खटास नहीं है। इस 17-18 साल का रिश्ता है, ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है। इस रिश्ता के साथ और लोग अपना रिश्ता बना ले तो मैं समझता हूँ देश के हित में बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो हमारे साथ बात करते हैं भगवान सिंह कुशवाहा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का जो रिश्ता है ये रुश्ता अटूट रिश्ता है और ये टूटने वाला नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव के बयान का भी खंडन करते हुए कहा है कि वो बोलते हैं उन्हें बोलने दीजिए, हम लोग बहुमत जो है वो पास करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने 17 साल बनाम 17 महीने की जो बात कही है उन्होंने कहा है कि 2005 से पहले के जो शासन है उनको वो क्यों नहीं बताते हैं कि उनके बाबूजी के राज में बिहार में क्या कुछ होता है। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में प्रोटेस्ट में क्या कुछ होता है। इस खबर में इतना ही, आया खबर देखते लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।